किसी को बदनाम करने के लिए अगर कोई सीखना है तो बीजेपी से सीखो। बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं, इस जनता भी देख ली है, सब उनको सजा मिलने वाली है इस बार। बहुत जल्दी चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन मैं जानता हूँ सरकार की नीयत को। ये लोग गाय से राजनीति किए थे, गाय बेचारी भटक रही है सड़क के किनारे पॉलिथीन खाते हुए, और जो स्वच्छ भारत का सपना था, हमारी गाय माँ के बिना संभाले नहीं हो सकता स्वच्छ भारत। और किसी को बदनाम करने के लिए अगर कोई सीखना है तो बीजेपी से सीखो। बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं, इस जनता भी देख ली है, सब उनको सजा मिलने वाली है इस बार। इस बसपा से गठबंधन और जो दिख रहा है सामने और अच्छा दिखेगा। बता रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि गठबंधन कुछ समय का है। ये बीजेपी वाले सोच सकते हैं, क्योंकि कई सीटें हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, उप मुख्यमंत्री हार गए, और जहाँ से उन्होंने झगड़ा शुरू किया था वहाँ झगड़ा खत्म कर दिया। कम से कम समाजवादी और जनता का धन्यवाद दीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चौधरी चंद सिंह जी की विरासत थी, कम से कम विरासत को दोबारा समाजवादियों ने लौटाने का काम किया है। जितनी विरासत आरएलडी की है उतनी विरासत हम समाजवादियों की भी है। अगर चौधरी चंद सिंह अगर गठबंधन रहता है तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे आप। बहुत जल्दी चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।